नमस्ते दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और हम लोग देखने वाले हैं मुजफ्फरपुर अहियापुर चौक पे सुबह के टाइम में कितना क्राउड होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह का 9 बज रहा है और अहियापुर चौक पे गाड़ियों का कितना आना जाना हो रहा है। यहाँ पे राइट साइड में एक सरकारी स्कूल है और रोड के दोनों साइड में सब्जी मिला करता है। शाम के टाइम में ज़्यादा रहता है पर सुबह के टाइम में कम, और आसपास में दुकान भी काफ़ी अच्छा अच्छा है। कपड़ों का दुकान, मिठाई का दुकान, हर एक चीज़ है, ऑटो वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिल जाता है आपको। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक राइट साइड की तरफ रास्ता गया हुआ है जो कि नाजीपुरा खड़ाघाट की तरफ चला जाता है, और जो लेफ्ट साइड रास्ता गया हुआ है वो मेडिकल की तरफ चला जाता है। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लेबर मजदूर सब खड़े रहते हैं। आप जब भी कोई काम हो तो यहाँ से अपने बुला करके लेबर मज़दूर को लेकर जा सकते हैं। और ये सीधा रास्ता चला जाता है दरभंगा की तरफ, 0 माइल गोलंबर होते हुए अहियापुर चौक होते हुए सीधा दरभंगा 4 लाइन में जा कर के रास्ता मिलता है। और जैसा कि हम दूसरे तरफ आ चुके हैं रास्ते के, और अब हम जाएंगे 0 माइल गोलंबर की तरफ अहियापुर चौक होते हुए। हम इधर युवा इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोगों को एक स्पेशल दुकान दिखाना है। वहाँ पे एक समोसे का दुकान है जो कि काफ़ी फेमस है। वहाँ का समोसा लेने के लिए शाम के टाइम में लाइन लगाना पड़ता है, तब जा कर के समोसा मिलता है। तो यहाँ पे हमारे बगल में लेबर मजदूर सब खड़े हैं, आपको जब भी ज़रूरत हो यहाँ आसपास में, अहियापुर के आसपास में, तो यहाँ से लेबर मज़दूर को लेकर जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ से राइट साइड में मेडिकल की तरफ रास्ता गया हुआ है और लेफ्ट साइड में नाजीपुर के तरफ रास्ता गया हुआ है जो कि अखाड़ाघाट मुजफ्फरपुर शहर के तरफ चला जाता है रास्ता। और जैसे ही हम लेफ्ट टर्न लेंगे ना, तो ये हनुमान जी, अब हम लेफ्ट टर्न लिए और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, और बगल में समोसे का दुकान आपको दिख रहा होगा। ये सुबह में लिट्टी बनाता है और शाम को समोसा, और इस दुकान का समोसा लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, तब जाकर समोसा मिलता है।